वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ बन रहा है चाय और बहुत ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है, लगभग 7:30 हो रहा है और हम 3 कप में छान रहे हैं, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए। तो बीच वाला कप मेरे हस्बैंड का है, थोड़ा सा बड़ा है, ये चाय गर्म वाला मेरे बेटे का है और उस साइड वाला मेरा है, क्योंकि वो कप थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा पुराना है, लेकिन हमको वही कप पसंद है इसलिए हम उसमें पीते। और सुबह में हम थोड़ा चाय कम पीते हैं, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही छन आ गया तो हम मेरे बेटे को बोले कि चलो आज तुम थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो। तो वो मेरे साथ कैमरामैन आज बन के बैठा खड़ा हुआ था तो हमको अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा दोनों हाथ बिजी, मतलब हम नहीं अकेले शूट कर पाते हैं ना। फिर हम सोचे ना कि आज हमको बहुत बिजी रहना था, तो हम सोचे जल्दी जल्दी सब्जी काट देते हैं मॉर्निंग के टाइम में। तो फूल गोभी आया हुआ था, तो आप समझ ही सकते कि बरसात का गोभी कितना ख़राब होता है, लेकिन ये कुछ अच्छा था। और जो नहीं काटे थे उसमें थोड़ा सा छेद था, और इतना आलू और प्याज को काटना था, आलू फूल गोभी की सब्जी और दाल चावल हम बना रहे थे। और ये लहसुन, लाल लहसुन आया था, लाल लहसुन इतना ज़्यादा महंगा है, 200 रुपये केजी है, तो एक पाव जैसा 200 ग्राम, 250 ग्राम आ गया था। तो हमने चलिए मेरा काम हो जाएगा, और पहले से भी था। और हम पॉलीथीन जल्दी दुकान से नहीं लेते, लेकिन मेरे हस्बैंड तो ले ही लेते हैं, तो हम पॉलीथीन सबको रख देते हैं, फिर किसी को दे देते हैं जो जिसको ज़रूरत है। और ये दो गोभी को हम काट लिए, और ये तीसरा गोभी थोड़ा अच्छा था तो हम रख दिए। हम बोले कि इसका देखते हैं, सब्ज़ी ज़्यादा है तो सांभर बना देंगे। और हम चावल भी चुन लिए थे, ये चावल थोड़ा दूसरा वाला, तो इसमें ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। और कल हम बनाए थे छोला भटूरा, तो भटूरा का थोड़ा सा आटा बच गया था, तो हम सोचे कि छोला तो है ही, भटूरा छान देते हैं, तो हम लोग का नाश्ता भी हो जाएगा। और थोड़ा हम नाश्ता चाहते हैं कि भरपेट ही हो जाए बच्चों के, तो मतलब थोड़ा सा वो शांत रहेंगे, और इसलिए हम थोड़ा हैवी नाश्ता ही हम लोग करते हैं। तो जल्दी जल्दी हम छोटे छोटा भटूरा बना रहे थे, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे थे। और हम कल रात में नहीं खा पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पता नहीं अजीब सा पेट में दर्द हो रहा था, तो हम रात में थोड़ा सा छोला बस टेस्ट किए थे। और यहाँ मेरा भटूरा बन गया है, और हम अपने बेटे को नाश्ता भी दे दिए हैं, छोला और भटूरा, ये देखिए। मेरे को अच्छा लग रहा था, ये सब बनाने में हमको अच्छा लगता है। और फिर हम आलू को छील लिए, सब्जी कटिंग कर लिए, प्याज नीचे है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, और फिर इसको डस्टपैन में उठा लिए। और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था सुबह में, आज थोड़ा बारिश नहीं थी तो अच्छा लग रहा था। और हम लास्ट में चाय भी पी लिए नाश्ता करके, और चाय पीते पीते हम मसाला के लिए चादर खोजने के चक्कर में नया चादर एक बार भी नहीं बिछा है, पूरा एकदम हम लोग निकाल दिए, नीचे चला गया था ना, बहुत दिन से रखा हुआ था, तो आज सोचिए इसको बिछा देते हैं, तो इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। ये गुदड़ा भी पूरा फट गया है, लेकिन चलिए इस पर गद्दा पर बिछा है तो ठीक है, इधर थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। नोच दे रहा कशिश, जल्दी जल्दी करो, किसी का बर्थडे आएगा ना तो हम लोग ये चिप स्टिकर लगा के दे देंगे गिफ्ट में। ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये वाला दे देंगे लगा के, बिछा दिए हैं, ये देखिए इतना चीज़ तो बेड पे रहता ही है। इसमें का पिलो कवर हम पहले यूज करते थे, मतलब हम टेस्ट करना चाह रहे थे ना कि वो सिंथेटिक है कि कॉटन, तो वो अभी निकाले हैं धोने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और हम नहा के आ गए हैं, बाल ही नहीं झड़ा रहा और बड़ी में और नहीं झड़ा रहा है, और 12 बज चुका है। आप सोच ही सकते कि मतलब एक हाउस वाइफ के लिए सुबह संडे को वो भी मतलब सारा काम फटाफट करना कितना हेडेक वाला काम रहता है। तो हम ये अभी हम जा रहे हैं पूजा में, तो हरा बिंदी हम लगा ले रहे हैं, माथा धो के मतलब हेयर वॉश करके नहाएं, बस यही करना है कि हमको बिंदी चेंज करना है, सारा हो गया, और चूड़ी पहनना है ग्रीन ग्रीन। ओहो ये छोटा सा बिंदी है ना, नहीं निकल रहा। अब बताइए 11 बजे से पूजा था, तो 11 बजे तो हम लोग को फुर्सत नहीं मिलेगा, वो तो कोई भी समझ रहा, तो नाश्ता बनाए, खाना बनाए, अब जा रहे हैं, सब्जी नहीं बनाए हैं, आके बनाएंगे, दाल चावल बना लिए हैं। आज हमने शैम्पू से नहाया, पानी हम नहले आज शैम्पू से आवत हुई है। और ये हमने ग्रीन ग्रीन चूड़ी पहन ली है, और ग्रीन था मतलब इतना इतना है उतना हम नहीं पहनते हैं, थोड़ा ही सा पहनते हैं, पूछते हैं कि अभी चलेंगे कि थोड़ी देर बाद, उसके बाद चला जाएगा। चलिए मेरा फोन नहीं उठा रही तो उनके घर चलते हैं।
बाबू हम आ रहे हैं ना, सुन रहा ना, रुको 10 रुपीज ले ले रहे बस, ये में डालने, आरती में डालने के लिए, और हम आरती का पैसा ले लिए हैं। एक दिन एक जन के यहाँ गए थे तो बाबू हम आ रहे हैं, हमारे जा रहे, चलिए। ये जमीन किसी का है, बाउंड्री पूनम जी अपना राशन वाला है, अंगूठा लगा रहे हैं, आ रहे आ रहे, आप ही के घर आ रहे हैं। खड़े हैं, चलिए क्या जाने, अब हम क्या जानेंगे। कुछ पैसा नहीं है, एक पैसा कम नहीं है, बहुत पैसा नहीं है। हम लोग को प्रसाद मिल गया, हम लोग इधर बैठे हैं। सुषमा मम्मी, क्या करेगी, हम लोग कुआं पर बैठे हैं। हाँ आओ, तुम ही आओ, डुगू कुआं पर बैठे हम लोग। बाप रे, डर भी लग रहा, कहीं कुआं का कुछ हुआ तो हम लोग नीचे चल जाएंगे। चलिए बाल धो के नहा, सुन रहे, बोल रही इसको दिए हमको नहीं पूछी तो वहाँ रुक गए तो लेट हो गया। नहीं लग रहा, सब कम हो गया। हम सलाद थोड़ा सा काट ले रहे हैं और मेरी बहन से थोड़ा सा बात भी कर ले रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन का कॉल आया था और हम नहीं थे घर में। मेरा बेटा बोल रहा है जाओ गॉसिप करना वहाँ महिला मंडल में, हम बोले हाँ यही करेंगे। तो अब हम फिर से रेडी हो गए हैं जाने के लिए, यही वाला कपड़ा पहन लिया, अब कितना चेंज करते रहते हैं। इतना कपड़ा सबको डाले थे धूप में, सब आ गया है, बस फोल्ड नहीं हुआ है, फोल्ड अप करेंगे थोड़ी देर बाद। जा रहे हैं हम अपना बैंक, वहाँ महिला मंडल में भरेंगे, बहुत दिन से नहीं डाले हैं पैसा, तो इस बार पैसा डालना है। तो हम मोबाइल नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। दुपट्टा मेरा येल्लो वल्लो येल्लो येल्लो डट्टी फैल्लो दुपट्टा ले लेते हैं, ये वाला आटा है, गेहूं भी है। तो हम जा रहे हैं, बाय, आएंगे तो फिर एक जगह जाना है, देखिए ना जा पा रहे कि नहीं, ये लोग के चलते हम कहीं नहीं जा पाते हैं। मोबाइल ना लेते जा रहे हैं, इसलिए ले जा रहे हैं हम कि अगर कोई जाएगा वहां से तो दुकान में वहां चल जाएंगे तो ग्रीन कलर का बिंदी का पत्ता ले लेंगे, क्योंकि जिनके घर जाना है तो उनको बिंदी सिंदूर देना है, तो अभी सावन चल रहा है तो ग्रीन बिंदी दे देंगे, तब देखिए जा पा रहे कि नहीं। हम लोग का तकिया का कवर गिरा हुआ था नीचे डाले थे, तो वही हम बोले कि ले लो, बाबू को नीचे भेज दो ले लेने के लिए। और हम मेरा गम, हम लोग का मीटिंग ख़त्म हो गया, मेरे घर क्या आया है चलिए बाबू को दिखाते हैं। मेरे गैस चूल्हा में ना बार बार आग लग जाता था, बड़ा वाला बर्नर में पता नहीं अजीब टाइप का लग जाता था, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मेरे लिए नया चूल्हा आया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हम लोग का नया चूल्हा आ गया है। जा रहे हैं मेरी दोस्त के यहाँ, चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं, आज तो हम बहुत घूम रहे हैं। और हम शगुन के घर जा रहे हैं और शगुन और अंश हमको यही मिल गया, हाय बोलो, हाय। आना तुम लोग भी, अब तुम्हारे घर हम जा रहे हैं। हाँ मनोरमा के पास आएंगे, अभी मनोरमा के पास जा रहे हैं। हम आ रहे थे ना, तो हम मुर्गा या मुर्गी कुछ मरा हुआ था, इधर बड़ा गेट, इसमें ताला मारा हुआ,
गए अपनी दोस्त के घर।